मेरी कोशिश इस सीरीज से ये है कि हमारे जो फिजियोथेरेपी कम्युनिटी के लोग हैं, हमारे जो डॉक्टर फ्रेंड्स हैं, वो उन प्रॉब्लम से बेटर तरीके से डील कर पाए। हमारे पास एक पेशेंट आ रहे हैं एंड ही इज 40 इयर्स ओल्ड। एवियन हिप एक प्रोग्रेसिव डिजीज है। अराउंड 1 month हो चुके हैं उनको फिजियो कराते हुए। स्टेयर्स क्लाइंबिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, सिटिंग अगर वो ज्यादा देर कर रहे हैं, लाइंग अगर राइट साइड में कर रहे हैं। तो किस स्टेज में डिजीज डायग्नोस हुई है ये इम्पोर्टेंट है उसका ट्रीटमेंट डिसाइड करने के लिए। मैंने काफी सुना है कोर डीकम्प्रेशन सर्जरी के बारे में एवीएन के केस में, तो मुझे आप ये बताओ कि ये कितना इफेक्टिव है भी या नहीं है। Thank you.